सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पावन और सामर्थ्य नाम पर मैं आप सबकी सलामती की दुआ करता हूं। प्रियजनों, मेरे साथ एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर प्रभु की महिमा करें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको स्पर्श करेगा और चंगाई प्रदान करेगा। प्रार्थना करना आध्यात्मिक युद्ध है। जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं तो हम अपना समय जाया नहीं करते, परंतु हम प्रभु की उपस्थिति को महत्व देते हैं। प्रभु का वचन दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हमसे कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। स्तोत्रकार कहता है, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर। प्रियजनों, हमारी दुहाई प्रभु के पास पहुंचे। आइए हम एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें, वंदना करें। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को बन, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मन ही मन प्रभु की स्तुति करते जाएं, आराधना करते जाएं, उसका नाम सिमरते जाएं, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, जो अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाते हैं वे सदा आनंदित रहते हैं। जो अपना चित्त उसमें लगाते हैं उन्हें किसी चीज की कमी और घटी नहीं रहती। आपका घर प्रभु की दया से, उसकी मामूरी से भर जाए। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आले आले लुया आले लुया आले लुया आले दाहिना हाथ हिला आले लुया आले लुया आले लुया आपको मसा करे, स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे, आप लोगों पर अधिकार ले। आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी या घटी न रहे। लुकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36, प्रभु ये कहता है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ
मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ, क्योंकि प्रभु कहता है, लुकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। प्रभु हमारे लिए बिछवाई करता है, इसलिए बड़े मन से आत्मा की सच्चाई से हम प्रभु की स्तुति करते जाएं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, आनंद के साथ। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु ही है नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु तू है मेरा खुदा, हाथ उठाकर अलेलुया 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 अलेलुया। प्रभु कहता है, संकट के समय तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे। जी हां प्रियजनों, इस वक्त आप में से जितने भी लोग प्रभु की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। बाइबल में बताते हैं, दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है और वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी दुहाई भी प्रभु के पास पहुंचे, जिस विशेष मकसद के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में उसे पूरा करे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, आले आले दुनिया आले दुनिया आले दुनिया आले आले दुनिया आले दुनिया आले दुनिया आले आले दुनिया आले जीवन में अनेक ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। प्रियजनों, जितना दुख बड़ा हो जाए उतनी ही प्रार्थना मजबूत हो जानी चाहिए, प्रार्थना दुगनी हो जानी चाहिए। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु को पुकारना आग्रह के साथ ये और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। जब यीशु मसीह गेतसमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे, उन्हें मालूम था कि वह दुख सहन करने वाले हैं, तो उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आंसू बहाते हुए उन्होंने पिता को पुकारा, उन्होंने अपना खून का पसीना
बहा दिया। उन्होंने प्रार्थना को दुगना कर दिया और इसी प्रार्थना के द्वारा उन्हें सामर्थ्य मिला और वो क्रूस को उठाकर चल पड़े, कलवरी के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें बताता है कि तुम जागते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते समय प्रभु के शिष्य सो गए और वो जाग नहीं सके। शैतान ने पतरस को बहका दिया क्योंकि वो सामर्थ्य पिता से प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि वो सोता रहा। तो संत पौलुस लिखता है, जो सोता है वो रात को सोता है, जो मदिरा पीता है वो मदिरा पीता रहता है, परंतु तुम लोग तो ज्योति की संतान हो, इसलिए तुम ज्योति की संतान की तरह आचरण करो। जैसे प्रभु यीशु ने रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना की, तुम भी करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इसलिए हमसे ये कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई इस संसार के नायक से है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई आकाश के दुष्ट आत्माओं से है, हमारी लड़ाई संसार के अधिपतियों, अंधकार की शक्तियों से, शासकों से है। इसलिए प्रभु ये कहता है, तुम लोग जागते रहो, तुम लोग जागते रहो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ जाओ। शैतान तुम्हें बहकाए नहीं, क्योंकि उसे अनुमति मिली है कि वह तुमको गेहूं की तरह फटक सकता है, और वो यही ताक में रहता है कब तुम्हें फाड़ खाए। वो घूमता फिरता है, बिछड़ता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु से दया की याचना करते हुए हम इन वचनों को दोहराएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अफेसियों का पत्र, अफेसियों का पत्र अध्याय 6, अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे, पद संख्या 10 और उससे आगे। हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, अधिकारियों तथा शासकों, तथा शासकों और आकाश की, और आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, दुष्ट आत्माओं से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम लोग, तुम लोग प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण करो, प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे कि, जिससे कि दुर्दिन में, दुर्दिन में तुम लोग, तुम लोग शैतान का सामना करने में, शैतान का सामना करने समर्थ हो जाओ, समर्थ हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। प्रार्थना करना एक आध्यात्मिक युद्ध है। प्रभु की हजूरी में समय बिताना एक आध्यात्मिक युद्ध है, और ये युद्ध आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। ये युद्ध अंधकार में संसार के अधिपतियों, शासकों, प्रशासकों से है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें अपनी रूह का मसा प्रदान करता है, और वो आत्मा हमें परमेश्वर की राह पर ले चलता है। तो प्रियजनों, ये इबादत, ये प्रार्थना एक युद्ध के जैसे हैं। जब वचन बोला जाता है तो शैतान का सिर दर्द होने लगता है, जब घुटनों पर हम आते हैं तो उसे और ज़्यादा परेशानी होती है। जब हम डिलीवरेंस को क्लेम करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसे और ज़्यादा परेशानी होती है। जब हम उसे आदेश देते हैं कि वो प्रभु के लोगों को छोड़े तो वो चिल्लाता है, और चिल्लाते हुए जैसा कि ईसा के जमाने में अब्दूत ग्रस्तों से जब वो निकलता था, उन्हें तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक देता था और निकल जाता था, वैसे ही आज भी होता है। प्रभु के वचन से वो डरता है। अगर उसे किसी चीज का डर है तो वो है प्रभु का वचन, और इस वचन को पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए आशीष प्रदान करता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें
प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले और हमें शक्ति प्रदान करे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। चेहरा तेरा
पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में मेरे परिवार चंगाई प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ईसा ने कहा जागते रहो प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29। इस जाति की आत्माएं बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु कहता है अगर आपको दुष्ट आत्मा से लड़ना है तो उपवास, प्रार्थना और तपस्या की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। तो यीशु के जीवन में कठिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। वो निरंतर अबदूत ग्रस्तों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, मुर्दों को जिलाते। गिरासा का अबदूत ग्रस्त बाइबल हमें बताती है कि जब उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा तो वो दूर से ही चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुझे हमसे क्या, समय से पहले तू हमें सताने क्यों आ गया है। प्रभु उसे डांटते और चुप रहने का आदेश देते और उससे निकल जाने का वो उन्हें आदेश देते थे। प्रियजनों, प्रभु यीशु यूहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हमें बताते हैं कि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें चेतावनी देता है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। कब किसको फाड़ खाए, कब किसको प्रलोभन में डाले। प्रियजनों, हम इस उपवास, प्रार्थना के द्वारा, बंदगी के द्वारा अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने विश्वास को दृढ़ करें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में शक उत्पन्न करता, हमारे जीवन में हमें निरुत्साह कर देता है, हमें निराशा में डाल देता है, हमें असमंजस में डाल देता है और हमें अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और प्रलोभनों में डालता है। वो हमें हारने पर
मजबूर कर देता है और अंत में जब व्यक्ति हार जाता है तो वो आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु को याद करना, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको सामर्थ्य देगा, आपको वचन दिए जाएंगे, पवित्र आत्मा जो सहायक है आपकी अगुवाई करेगा और आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, मेरे शरीर पर, मेरे शरीर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, बीमारियों का, बीमारियों, रोग शक्तियों का, रोग शक्तियों, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार, सारा अधिकार, सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18, यह समय कठिन है और यह दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, दृढ़ता के साथ प्रभु में लीन रहें, उसके वचन को पालन करें और वो आपकी रक्षा करेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10, मूसा हाथ उठाकर हारून और उर के साथ प्रार्थना कर रहा था। जब इजरायली योशुआ की अगुवाई में अमालेकियों से युद्ध कर रहे थे तो मूसा हारून के साथ और उर के साथ हाथों को उठाते हुए पिता से प्रार्थना कर रहा था। जब मूसा के हाथ नीचे जाते तो एक ओर से उर उसको पकड़ता और दूसरी ओर से हारून उसको पकड़कर ऊंचा करते थे। जब वो थक जाता था तो उसके कोहनियों के नीचे वो पत्थर की टेकनी लगा दिया करते थे ताकि उसके हाथ ऊंचे रहें, और जितनी देर मूसा के हाथ ऊंचे रहते थे, इबादत में रहते थे, प्रार्थना में रहते थे, उतनी देर इजरायली जीतते जाते थे, जीतते जाते थे। प्रिय दंपतियों, माता पिता, जब तक आपके हाथ परमेश्वर की इबादत में ऊँचे रहेंगे आपकी संतान जीतती जाएगी, आध्यात्मिक युद्ध में वो जीत हासिल करेगी, शैतान डर के भागेगा, क्योंकि यीशु के वचन, उसके नाम और इबादत से प्यारे भाइयों और बहनों वो दूर चला जाता है, छोड़कर भाग जाता है। यीशु का नाम पावन नाम, सामर्थी नाम। आइए हम उन बातों के लिए प्रभु से दया की याचना करें, क्षमा मांगें। जब हम ईमानदार नहीं रहे, हम अपने जीवन में प्रलोभन में गिर गए, हम प्रभु से दूर चले गए, विषम परिस्थितियों में हमने अनेक प्रकार के शगुन विचारने शुरू किए, उन बातों के लिए क्षमा की याचना करें। प्रभु जी तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा
तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, तेरे मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु, दया कीजिए हम पर, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे। प्रियजनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 19 प्रभु का वचन कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले, ले चले। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 अध्याय 55 पद संख्या 6 पद संख्या 6 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा, तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देती रहे, तब तक उसकी दुहाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 7 पद संख्या 7 मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगता है, जो मांगता उसे दिया जाता है, उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए, उसके लिए खोला जाता है, खोला जाता है, जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वह पा जाता है, वह पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से, मैं अपने जीवन से सारी बुराई को, सारी बुराई, ईर्ष्या और जलन, ईर्ष्या और जलन, क्रोध और आलसपन, क्रोध और आलसपन, निराशा, निराशा और हर प्रकार की बुराई, और हर प्रकार की बुराई अपने जीवन से, अपने जीवन से अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को जोड़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका घर प्रभु की मामूरी और चंगाई से भर जाए। जितने भी लोग इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको मसा करे, प्रदान करे।
आज की इस इबादत में प्रभु ने संदेश दिया कि तुम प्रार्थना करते रहो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, विषम परिस्थितियों में प्रार्थना दुगनी कर दो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सिरों को झुकाएं, इस वक्त आप जहां कहीं भी हों, विश्वास के साथ इस अनॉइंटिंग को आप ग्रहण करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे वचन के द्वारा आज इन सारे लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके घरों में तेरी शांति विराजे। और प्रभु यीशु इन्हें आशीष प्रदान कर। मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग बीमार हैं, लाचार हैं, चल फिर नहीं सकते, लकवे से पीड़ित हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, इन पर दया कर दे, इनके पापों को, गुनाहों को माफ कर दे, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई क्षमा कर दे, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए हम तुझसे क्षमा की याचना करते हैं। तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले, हे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र दाहिने हाथ से हमें बचा, शैतान के सारे षड्यंत्रों से, धूर्तता की आत्मा से हमें बचा, दुर्दिन में हम तेरे पवित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए शैतान की धूर्तता का सामना कर सके। हे प्रभु यीशु, देश के अधिकारियों, नेताओं पर, धर्माधिकारियों, पुरोहितों पर, लोकधर्मियों पर दया कर, जिससे तेरी महिमा हमारे जीवन में, परिवारों में होती रहे, इन घरों में तेरी महिमा सदा होती जाए। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, जिससे हम तेरी महिमा में सदा अपने आप को समर्पित करते जाए। तू दया का राजा है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला है, जीवन देता, शांति प्रदान करता है, आनंद देता, तू सच्चा चरवाहा है, तू पाक है, तेरा नाम पवित्र है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे पिता, मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे पिता, मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए। इन्हें लाइलाज बीमारियों से आजाद कर, इनके दुखों को हल्का कर, इनके दफ्तरों में आशीष प्रदान कर, इनके खेत खलियानों, चौकटों, बिछौनों को अपने पवित्र लहू से मसा कर दे, यात्रा में इनकी सहायता कर, इनके आगे आगे चलने की कृपा कर और इनकी अगुवाई कर जैसे तूने इसराइलियों की अगुवाई की। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।